महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, ये कहना है एसजी का। दरअसल 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और उसके बाद यहां पर एसजी ने अपनी दलीलें रखी हैं, जिसमें कहा गया है कि मेरे पास असली पत्र जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था, और एसजी तुषार मेहता ने राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार का हवाला भी दिया है और कहा है कि गवर्नर ने सभी को न्योता दिया, सबके मना करने पर राष्ट्रपति शासन लग गया, जिसके बाद 12 नवंबर को राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो महाराष्ट्र में किसी के पास बहुमत नहीं था, राज्यपाल ने कई दिनों तक इंतजार किया और राज्यपाल की चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है। वहीं शिवसेना एनसीपी ने भी सरकार बनाने में असमर्थता जताई थी, जिसके बाद विपक्ष ने अब तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। तो सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को राज्यपाल की चिट्ठी सौंपी है और पत्र में 54 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। अजीत पवार ने समर्थन की चिट्ठी सौंपी थी और 105 बीजेपी निर्दलीयों और का समर्थन जब मिला तो उसके बाद यहां पर यह फैसला लिया गया। तो अजीत पवार चिट्ठी के मुताबिक फडणवीस को 170 विधायकों का समर्थन था। तो कोर्ट में फिलहाल आपको बता दें कि सुनवाई चल रही है, हर कोई पक्ष अपनी अपनी दलीलों को यहां पर रख रहा है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कल वो समर्थन की कॉपी मांगी थी जिसके बिना पर राज्यपाल ने आमंत्रित किया सरकार बनाने का, उस चिट्ठी को यहां पर सौंपा गया है और सॉलिसिटर जनरल जिन्होंने यहां पर कहा कि सबके मना करने पर राष्ट्रपति शासन यहां पर लगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से यहां पर स्थिति नजर आई जहां पर सभी पार्टियों को निमंत्रण दिया गया था लेकिन सभी ने असमर्थता जताई थी और सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद बीजेपी को यहां पर कहीं ना कहीं मौका मिला और यही नतीजा कि अजीत पवार अपने तमाम विधायकों के साथ आए, विधायकों के समर्थन पत्र के साथ यहां पर सामने आए और उसके बाद सरकार वहां पर बन ली गई। तो सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को राज्यपाल की चिट्ठी यहां पर सौंपी है और उसमें पत्र में 54 विधायकों के हस्ताक्षर हैं, उनका समर्थन है। वहीं अजीत पवार ने समर्थन की चिट्ठी सौंपी थी, ये भी कहा सॉलिसिटर जनरल ने, और कहा कि 105 बीजेपी और साथ ही निर्दलीयों का समर्थन है और ऐसे में बहुमत यहां पर कहीं ना कहीं मिल जाता है, वो जादू या आंकड़ा यहां पर मिल जाता है और मुझे सब विधायकों का समर्थन है, ये अजीत पवार ने पहले ही कह दिया था। लेकिन अगर चिट्ठी के मुताबिक देखें तो फडणवीस के साथ 170 विधायक शामिल है। फिलहाल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और सुनवाई के खत्म होने के बाद ही पूरी तरीके से तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। तुषार मेहता ने राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार का हवाला भी यहां पर दिया है। तो फिलहाल रोहतगी यहां पर अपना पक्ष रख रहे हैं, जहां पर कहा है कि राज्यपाल पर हमला करना गलत है, सरकार गठन को लेकर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और फिलहाल ये आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन ये यहां पर हो रहा है, जिसमें सोनिया गांधी भी आपको नजर आ रही होंगी और डेमोक्रेसी को लेकर यहां पर ये प्रदर्शन स्टॉप बॉर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, जिस तरह से महाराष्ट्र में देखा गया जो घटनाक्रम वहां पर सामने आया है उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन यहां पर सामने आया है। संसद परिसर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले स्थगन प्रस्ताव यहां पर कांग्रेस की तरफ से दिया गया था महाराष्ट्र मसले को लेकर, लोकसभा के साथ साथ ही राज्यसभा में भी स्थगन प्रस्ताव, और इस बीच कांग्रेस के जो ये तमाम नेता हैं लाल गांधी प्रतिमा के नीचे ये प्रदर्शन कर रहे हैं और स्टॉप मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, उसके साथ ही नारेबाजी भी। सोनिया गांधी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सोनिया गांधी भी फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं विरोध में यहाँ पर, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर की गई है।